ठंड में ना अगर आलू पालक खाने को मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों आप भी ऐसे आलू पालक बना के ट्राई कीजिए, बड़े ही अच्छे लगेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाने लगे हैं आलू पालक। आलू पालक बनाने के लिए हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ऑब्वियसली सबसे पहले हमें आलू और पालक तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, टमाटो, ये सब चाहिए। और उसके बाद हम सब्ज़ी बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में देसी घी लिया। देसी घी लेने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया। गर्म करने के बाद उसमें मैंने क्यूमिन सीड्स डाले और मस्टर्ड सीड्स डाले। इनको थोड़ा सा सौते करूँगी। थोड़ा सा सौते करने के बाद उसमें मैं करी लीव्स डालूँगी। मैं सिर्फ एक कटोरी सब्ज़ी की बना रही थी तो इसलिए मैंने चार करी लीव्स डाले। अगर आप लोग तीन से चार जनों के लिए सब्ज़ी बना रहे हैं ना तो छः से सात करी लीव ज़रूर डालना। और आलू पालक में ना मस्टर्ड सीड्स का जो टेस्ट आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। और उसके बाद मैंने सभी चीज़ें चॉप करके रखी हुई थी, सभी चीज़ें मैंने तो इकट्ठी डाल दी क्योंकि मैं बहुत ही कम सब्ज़ी बना रही थी, सिर्फ एक कटोरी। आप लोग जिस हिसाब से चीज़ें कट करेंगे ना उसी हिसाब से डालना। जैसे कि हम लोग अनियन को रफली चॉप करेंगे इस सब्ज़ी में तो अनियन पहले डालेंगे, तो जो चीज़ हमारी फ़ाइन चॉप की होगी उसको बाद में डालेंगे। अगर हम लोग ना पहले फाइन चॉप चीज़ें डाल देंगे तो वो जल जाएगी और दूसरी हमारी मोटी चीज़ है वो अभी आधी ही नहीं पकेगी, तो इसका बहुत ही अटपटा टेस्ट आता है। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें डालना। फिर इसमें मैंने एक तेज़पत्ता लिया है। तेज़पत्ता लेने के बाद वहाँ पे मैंने डाले हैं टमाटो। टमाटो भी रफली, बिल्कुल रफली कट करने हैं। टमाटो लेने के बाद इसको थोड़ा सा सौते करूँगी ताजो ये हम अपने थोड़े से गल जाएं। इस थोड़े से गलने के बाद मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर को भी थोड़ा सा सौते करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा सौते करना है क्योंकि जब बहुत ही फाइनली हमारा पाउडर बनाया हुआ होता है। और उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे हल्दी। हल्दी के साथ ही मैं यहाँ पे नमक डालूंगी। नमक मैं दो नमक यूज़ करती हूँ, एक तो टाटा नमक और सेंधा नमक। इन दोनों को मिक्स करके डालती हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो भी आप लोग नमक यूज़ करते हैं। उसके बाद ना दोस्तों हम इसमें डालेंगे आलू और पालक। और ये विंटर का सीज़न है, विंटर के सीज़न में आलू, फ्रेश आलू मिलते हैं वो, अगर आपको वो आलू मिले तो वो ज़रूर डालना। उनमें स्टार्च होता है और वो बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं और उनमें पानी कम होता है जो कि पालक को पकने में बहुत सपोर्ट करता है क्योंकि पालक बहुत पानी छोड़ती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर पालक ली। मैंने उसी टाइम पे रफली चॉप करनी है, बिल्कुल रफली चॉप करके मैं डालती हूँ। बाकी पालक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चाहिए। कई लोग तो पालक को पहले बॉयल करके फिर उसमें ग्राइंडर में ग्राइंड करके फिर डालते हैं, बट मुझे पर्सनली खड़ी खड़ी पालक बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसको बिल्कुल रफली चॉप करके इसमें डाला है और फिर उसके बाद मैं आलू डालूंगी। इसमें पानी भी डाला है थोड़ा सा क्योंकि मेरी सब्ज़ी बहुत, और पैन मेरा बिल्कुल खुले मुँह वाला था। और पता है दोस्तों कई लोग ना पालक की डंडियाँ पसंद नहीं करते डालनी, बट जो असली स्वाद होता है ना वो डंडियों में ही होता है। अगर आपकी पालक बहुत बड़ी है, बहुत ही मोटी आपकी उसकी पालक की स्टेम्स हैं तो आप उस स्टेम्स को कट कर सकते हैं। अगर आपकी पालक मीडियम साइज़ की है, बहुत ही छोटी छोटी पालक है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग उसकी डंडियाँ ज़रूर डालें क्योंकि असली टेस्ट तो डंडियों में ही होता है। और उसके बाद ना कई लोग क्या करते हैं, पहले पालक कट कर लेते हैं फिर उसको वॉश करते हैं। ऐसा करने से ना आधे न्यूट्रिएंट्स तो वहीं पे ही वॉश हो जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले पालक को अच्छे से वॉश करती हूँ और उसकी पूरी मिट्टी निकाल देती हूँ, फिर उसको कट करती हूँ। बाद में उसको कट करनी है, बिल्कुल रफली कट करना है। मैं तो बहुत फाइन कट करके पालक कभी नहीं खाती हूँ क्योंकि उसने तो गल ही जाना है। मुझे ना खड़ी खड़ी सी पालक बहुत अच्छी लगती है। जब हम चम्मच से खाते हैं तो हाथ से खाते हैं, खड़ी खड़ी सी पालक आए, खड़े खड़े से आलू आए, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं ये चीज़ें। और यहाँ पर मैंने ना देसी घी में सब्ज़ी पकाई है। आप लोग चाहो तो
मस्टर्ड ऑयल में भी पका सकते हो, बट रिफाइंड ऑयल में आलू पालक बिल्कुल कभी मत पकाइए, बहुत ही अटपटा टेस्ट आता है। मस्टर्ड ऑयल में पकाए, मस्टर्ड ऑयल में पकाने के बाद ना, पकने के बाद सब्ज़ी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत थोड़ी सब्ज़ी बना रही थी तो इसलिए मैं सीधा ही देसी घी में पका दिया। अगर पहले मस्टर्ड ऑयल में पकाऊंगी, बाद में उसके ऊपर ना देसी घी डालूंगी तो घी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मैं डिनर के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा कि सीधा ही क्यों ना देसी घी में पकाएं, है ना, गरम गरम ऐसी खानी थी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये सब्ज़ी। ये देखें, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद यहाँ पे मैं अपनी प्लेट में सर्व कर रही हूँ। यहाँ पे पीतल का ही मेरा पैन है, पीतल की ही मेरी प्लेट है, वही मेरी कटोरी है, एवरीथिंग पीतल का ही है, ब्रास का। यहाँ पे मैंने, इसके साथ मैंने रोटी ली है और इसके साथ मैंने एक छोटा सा ना मीठे में, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने के बाद मीठा, तो मैंने एक लड्डू लिया है। तो आप लोग, आई होप आप लोगों ने वीडियो इंजॉय की होगी।